बिजी में हम न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं? तो जब हम बिजी को ओपन करते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी का। इस ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। ये हमारा क्रिएट कंपनी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर हम अपनी कंपनी की डिटेल्स बता देंगे। यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम बताएंगे, कंट्री और स्टेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फाइनेंशियल ईयर बताएंगे। इस कंपनी को हम क्रिएट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, तो यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 1/4/2023। इसके बाद हम बताएंगे बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, बुक्स हम कब से मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे, वो डेट हम यहाँ पर बता देंगे। अभी इसको हम यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमको बताना है इंडस्ट्री टाइप, यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बताएंगे नेचर ऑफ वर्क, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उसको हम अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कंपनी का एड्रेस, पिन कोड, पैन नंबर, जो भी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल होंगी उनको हम यहाँ पर बता देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर फील्ड है अकाउंटेंट डिटेल्स, सीए डिटेल्स। ये फील्ड्स खास जरूरी नहीं है, इनको अगर हम बताना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज इनको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद ऑप्शन है करेंसी इन्फॉर्मेशन, अभी ये इंडियन करेंसी के हिसाब से सेट है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी करेंसी के हिसाब से यहाँ पर चेंज कर लेंगे। अब हम बताएंगे वैट जीएसटी इन्फॉर्मेशन, अनेबल वैट जीएसटी, यहाँ पर वाई यानी यस रहेगा। टाइप के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे जीएसटी, यहाँ पर हम अपना जीएसटी नंबर बता देंगे। अब एक बार हम अपनी डिटेल्स को वापस से चेक करेंगे, अगर सारी डिटेल्स जो हमने बताई हैं वो करेक्ट हैं तो हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी।